हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास क्लास 12। चैप्टर नंबर 12 इज गोइंग ऑन, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट एप्लीकेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेंटेनिंग द यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड अलोंग दैट देयर बॉडी मेंटेनेंस एंड यूजफुल फॉर द their life purposes. So today I am going to start next topic of this chapter, that is gene therapy. Why it is used? Gene therapy word means maintenance of the gene by the help of biotechnological techniques are called the gene therapy. Why gene therapy used in the human beings? Sometime a person or any person are suffering from the hereditary disease that cannot be simply diagnosed by the simple techniques of the medical biology. But that is diagnosed by the different techniques used by the biotechnological techniques, that is gene therapy. In this gene therapy, a particular gene is held by the techniques which is used for the human beings and maintaining their hereditary disease. So gene therapy is important for the controlling the hereditary disease that is present in a particular person or individual person. So let us one by one know about the gene therapy. This is important for your examination. Last few years, some short notes came from this gene therapy. What is gene therapy? Why it is used? This type of question is came in your last exam. Also, it is important for your future reference. So, one by one, point wise, please focus in this video for understanding this gene therapy. So gene therapy simply, it is a collection of method that is allow to correction of gene defects that diagnosed in a child or embryo. Gene therapy is a collection of method that allow to correction of genes defect that is diagnosed in child or in the embryo. Gene therapy क्या है? Method का collection है, जो कि जिसके द्वारा क्या होता है, gene के अंदर जो कमियां होती हैं, defect होते हैं, उसको correct किया जाता है, सही किया जाता है, चाहे वो child में हो, चाहे किसी embryo में हो. Next, this method is applied in a person with a hereditary disease. ये gene therapy method जो है use किया जाता है किसके ऊपर, ऐसा person जिस जो hereditary disease से suffer कर रहा है, जिसके अंदर hereditary disease है, जिसको simple तरीके से हम उसका diagnose नहीं कर सकते, तो वहाँ पे gene therapy technique के through उसके hereditary disease को control किया जा सकता है. Next, in this method, gene are inserted into a person cells and tissue to treat a disease. इस टेक्निक में क्या होता है, जीन थेरेपी टेक्निक में क्या होता है, सिंपली जो जीन्स होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं, जो मॉडिफाइड जीन है, जीन इंसर्ट किए जाएंगे किसी किसके अंदर, पर्सन से, जो पर्सन हेरिडिटी डिजीज से सफर कर रहा है उसके सेल के अंदर या तो उसके टीसू के अंदर, किसके लिए, ट्रीट ऑफ डिजीज को ट्रीट करने के लिए. वंस अगेन, इन दिस मेथड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द सेल्स ऑफ पर्सन एंड द टीसू ऑफ दैट पर्सन फॉर ट्रीटिंग द पार्टिकुलर हेरिडिटिकल डिजीज. इस टेक्निक में सिंपली तरीके से किया जाता है, किसी पर्सन के अंदर जीन को इंसर्ट कराया जाएगा जो कि मॉडिफाइड जीन है, किसके लिए, ट्रीटमेंट ऑफ
उस पार्टिकुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो कि हेरिडिटरी डिजीज। सो नेक्स्ट द करेक्शन ऑफ जीन्स डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक कवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपेंसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। इससे क्या होता है, द करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग ऑफ ए नॉर्मल जीन। जब किसी डिफेक्ट मीन्स कमी वाले जीन को ठीक किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, व्हाट हैपन, वह क्या करने लगेगा, एक नॉर्मल जीन का डिलीवरी करने लगेगा किसके अंदर, या उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल मीन्स पार्टिकुलर पर्सन के अंदर, या तो उसके एम्ब्रियो के अंदर। इसके लिए टू टेक कवर द फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। उस पार्टिकुलर जीन के फंक्शन को कवर करने के लिए और उसके साथ साथ नॉन फंक्शनल जीन में जो प्रॉब्लम हो, जो कमियां हो, उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है क्या, जीन थेरेपी टेक्निक। वंस अगेन, करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट इंडिविजुअल इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल आर एम्ब्रियो टू टेक कवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट ऑफ द नॉन फंक्शनल जीन। सिंपल तरीके से किसी करेक्शन को, जीन के जो अंदर कमी है उसके करेक्शन को ठीक करने के लिए वो इन्वॉल्व करेगा क्या, डिलीवरी करने लगेगा या मींस प्रोडक्शन करेगा किसका, नॉर्मल जीन पर, किसके अंदर, उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर या तो उसके एम्ब्रियो के अंदर। तो उसको टेक कवर करने के लिए फंक्शन को, उसके अंदर हुई हुई कमियां को कंपनसेट, मींस क्षतिग्रस्त कमियां, फिर नॉन फंक्शनल जीन के अंदर जो कमियां उसको करेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू, जीन थेरेपी टेक्निक के थ्रू। टू कंटिन्यू जीन थेरेपी, नेक्स्ट और नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन इन 1990 टू अ 4 year ओल्ड गर्ल्स with adenosine डाइअमिनेज डिफिशियंसी। पहला जो है क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 year ओल्ड गर्ल्स के ऊपर अप्लाई हुआ जिसके पास एडनोसिन डाइअमिनेज की डिफिशियंसी थी, कमी थी। सो दिस एडनोसिन डाइअमिनेज काज डिसऑर्डर ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन ADA दैट इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शन। दिस डिसऑर्डर मीन्स डिसऑर्डर ऑफ एडेनोसिन डाइअमिनेज डिफिशियंसी, दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ जीन ADA एडेनोसिन डाइअमिनेज दैट इज एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम फंक्शन। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 year ओल्ड गर्ल्स पे हुआ जिसके पास किसके थ्रू हुआ, के साथ एडेनोसिन डाइअमिनेज डिफिशियंसी के साथ, उसके पास कौन सा हेरिडिटरी डिजीज था, एडेनोसिन डाइअमिनेज की कमी थी। दिस ये डिसऑर्डर क्या किया, दिस डिसऑर्डर काज क्या काज किया, डिलीशन ऑफ द जीन, डिलीशन ऑफ जीन एडेनोसिन डाइअमिनेज दैट इज जो कि एसेंशियल है किसके लिए, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए। आफ्टर दैट दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडेनोसिन डाइअमिनेज इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इस टेक्निक में क्या हो सकता है, दिस डिफेक्ट कैन बी ट्रीटेड मींस एडेनोसिन डाइअमिनेज की कमी को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट, एंजाइम के रिप्लेसमेंट से
एंजाइम रिस्ट्रेक्शन थ्योरी के द्वारा और जो कि फंक्शनल एडेनोसिन डाइएमिनेज को दिया जाएगा किसको, पेशेंट को बाय इंजेक्शन के द्वारा या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा। सो दिस इज पहला जीन थेरेपी किया गया 1990 में एक 4-year-old गर्ल्स के अंदर, जिसके साथ क्या था, एडेनोसिन डाइएमिनेज डिफिशियंसी थी, एडेनोसिन एडीए की डिफिशियंसी थी। वो क्या काज करता था, डिलीशन ऑफ जीन जो कि रिस्पांसिबल है किसके लिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए। इस डिसऑर्डर को दूर करने के लिए, मीन्स इस जीन डिफेक्ट को कम दूर करने के लिए इसको ट्रीट किया गया किसके थ्रू, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी के द्वारा, रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा। और इसमें क्या हुआ, जो फंक्शनल एडीए है, मीन जो फंक्शनल एडेनोसिन डाइएमिनेज है, उसको या तो पेशेंट के अंदर इंजेक्शन के द्वारा दिया गया और या तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट। तो इस गर्ल्स में क्या किया गया कि जो एडेनोसिन डाइएमिनेज फंक्शनल है, एक्टिव है, उसको इंजेक्ट किया गया उसकी बॉडी में, कहां पे, बोन मैरो में, या बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इन जीन थेरेपी मेथड लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर मीडियम आउटसाइड द बॉडी। जीन थेरेपी में क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है ह्यूमन किसी पेशेंट के ब्लड का, उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रोन किया जाएगा। कल्चर मीडियम चाहे अगर जल हो, कई ऐसे कल्चर आते हैं जिसके अंदर हम उसको ग्रोन करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स में, फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। पेशेंट के लिम्फोसाइट को लेकर के ग्रोन किया जाएगा कल्चर में, ठीक। तब क्या होगा, अब फंक्शनल एडीए एडेनोसिन डाइएमिनेज कल्चर्ड डीएनए, सीडीएनए यहां पे कल्चर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स एंड रिटर्न टू द पेशेंट। जब ये लिम्फोसाइट को कल्चर कर लिया गया तो लिम्फोसाइट क्या हो गया, एक कल्चर्ड डीएनए हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। तब वहां पे क्या होगा, फंक्शनल एडेनोसिन डाइएमिनेज को, जो कि सीडीएनए कल्चर डीएनए को इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा किसके अंदर, पेशेंट के लिम्फोसाइट के अंदर। पेशेंट का ही लिम्फोसाइट लेकर के उसको कल्चर पर ग्रो कराया गया। जब वो कल्चर्ड हो गया तब उसके ही फंक्शनल एडेनोसिन डाइएमिनेज कल्चर्ड डीएनए को फिर से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, डाल दिया गया। व्हाट हैपेंड इन दिस मेथड, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट इज नीडेड। इस जीन थेरेपी मेथड में जो लिम्फोसाइट हो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, पीरियोडिक इन्फ्यूजन के साथ, पीरियोडिक मींस कंटीन्यूअस उस पे ऑब्जर्वेशन होने के साथ, उसके अंदर होने वाले जो डिफरेंस हैं उसको ऑब्जर्व करके फिर वहां पे उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट की जरूरत होती, किसमें, जीन थेरेपी में। इफ जीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल दैट प्रोड्यूसिंग एडीए एडेनोसिन डाइएमिनेज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट कुड बी परमानेंट क्योर ऑफ हेरिडिटी डिजीज। इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो, जब जीन को आइसोलेट किया गया बोन मैरो सेल से, दैट प्रोड्यूसिंग एडेनोसिन डाइएमिनेज एंड फर्दर दे इंट्रोड्यूस इन द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में अगले स्टेज में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, देन व्हाट हैपेंड, इट कुड बी परमानेंट क्योर। वंस अगेन हम लोग पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी इज जनरली यूज्ड फॉर द क्योरिंग द हेरिडिटी डिजीज दैट इज अगर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। व्हाट हैपेंड इन जीन थेरेपी, दिस इज द कलेक्शन ऑफ मेथड इन विच दैट इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ जीन्स इनटू द
patient, that is first gene therapy was in 1990 into the 4 year old girls. They have adenosine deaminase deficiency that cause disorder of gene deletion and that effect on immune system of this girl. What happened? This is further cultured and by the enzyme CRISPR is replacement therapy and curing of this girl's deficiency. In next we learn about the in this method generally we take the lymphocyte of the patient and that is cultured in a growing culture that is modified when functional endosine deaminase cDNA introduced into the patient for curing their hereditary disease. But this functional ADA endosine deaminase when introduced in the early stage of embryonic stage of this particular child that can be could be a permanent curing of the this hereditary disease. Gene therapy generally जीन से रिलेटेड जीन में होने वाली कमियों के लिए इसका यूज किया जाता है जिसके अंदर हेरिडिटरी डिजीज होता है. तो सिंपली इसमें हम लोगों ने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा. अब फिगर से समझेंगे क्या होता है. लेट अस बाय फिगर अबाउट जीन थेरेपी हाउ इट टेक्स प्लेस. सिंपली this is the gene therapy. This is first bacterium carrying plasmid with cloned normal human ADA gene. ये bacterium है जिसके पास क्या है plasmid और उसके साथ क्या है ADA gene, adenosine deaminase gene है. दूसरा क्या है this is the genetically disabled retrovirus. ये क्या है जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस है. ये क्या है बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विट क्लोन्ड नॉर्मल ह्यूमन एडीए जीन एडनोसिन डाइमिनेज जीन है. तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में. उसमें क्या है कि हेरिडिटी जीन हेरिडिटी डिजीज का प्रॉब्लम आ रहा है. तो जब ये एडीए जीन डिसेबल्ड एडीए जीन है डिसेबल्ड रेट्रोवायरस के साथ फ्यूज्ड होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेट्रोवायरस. दिस क्लोन्ड एडीए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेट्रोवायरस. व्हाट हैपेंड इट रेट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल ट्रांसफर इनटू एडीए जीन. दिस न्यू थिंग्स फ्यूज्ड इन फ्यूजन फाउंड एंड आफ्टर दैट T cell of the human being with disabled isolated from SCID patient. SCID means severe combined immunodeficiency patient. T cell with disabled isolated from the SCID means ऐसे patient जिसके पास यह hereditary disease है. Severe combined immunodeficiency patient के पास ये T cell. जब ये टी सेल इस क्लोन्ड एडीए जीन से जिसमें इनकॉर्पोरेट है रेट्रोवायरस के अंदर कोल्ड एलियन कंबाइंड होंगे तो बनाएंगे क्या रेट्रोवायरस इन्फेक्ट्स टी सेल ट्रांसफर एडीए जीन. तब क्या बनेगा एडीए जीन रेट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल ट्रांसफर एडीए जीन बनेगा विथ रेट्रोवायरस के साथ. और यहां पे टी सेल के साथ ये टी सेल आके दोनों कंबाइन होके बना दिया क्या रेट्रोवायरस में इंफेक्टेड टी सेल. जब यह रेट्रोवायरस इंफेक्टेड टी सेल ट्रांसफर होगा एडीए जीन में कंबाइन हो जाएगा एडीए जीन के अंदर और ये हो जाएंगे क्या न्यू फंक्शनल एडीए जीन होंगे. अब फंक्शनल एडीए जीन दिस जेनेटिकली अल्टर्ड जीन अल्टर्ड सेल आर रीप्लांटेड प्रोड्यूस एडीए एडनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम फिर इसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाएगा एम्ब्रियो में.
हम लोग यही पढ़ रहे थे इसमें जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में क्या है कि यूज हो रहा है किसके लिए, हेरिडिटी डिजीज के लिए, जिसमें किसी चाइल्ड के अंदर या किसी एम्ब्रियो के अंदर हेरिडिटी डिजीज ट्रांसफर ना हो उसको रोकने के लिए। सिंपली इसमें क्या था कि जब कोई हेरिडिटी डिजीज को हम लोग किसके द्वारा रिप्लेसमेंट करते हैं, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, जिसमें पूरे के पूरे जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फर्दर में क्या हो जाता है कि जो एम्ब्रियो है या चाइल्ड है वो क्योर हो जाते हैं। तो ये इसमें स्टेप है, बैक्टीरियम कैरिंग फार्मिंग विद द पोर्ट नाम ऑफ ह्यूमन एडिए जीन ये, और दूसरा क्या है जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरस है, दोनों फ्यूज हुए तो बनाया क्या क्लोन्ड एडिए जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू रेट्रोवायरस, और बनाया क्या क्लोन्ड रेट्रोवायरस विथ एडिए जीन। तब यहाँ पे क्या हुआ, टी सेल जो डिसेबल्ड है आइसोलेट हो गया किसके थ्रू, कहाँ से, एससीआईडी पेशेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग कल्चर लिम्फोसाइट को इस लिया गया, कहाँ से आइसोलेट किया गया, तब ये दोनों कंबाइन होकर के बना लिए क्या एक रेट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल, ठीक, विथ एडीए जीन। तब इस रेट्रोवायरस इन्फेक्ट टी सेल को ट्रांसफर कर दिया गया एडीए जीन के अंदर, ये जो बाहर है अंदर की तरफ आए इसके विद द टेक्निक्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर्म ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एडीए जीन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड एडीए जीन जब हो गया तब इसको क्या हुआ, इंजेक्ट कर दिया गया चाइल्ड के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, किसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर अगर कर दिया गया तो उसके बोन मैरो के हेल्प से इंजेक्शन किया जाएगा बॉडी के अंदर, अदरवाइज ये डायरेक्ट इंजेक्ट किया गया ह्यूमन की बीन के अंदर। तब वहां पे क्या हुआ, जेनेटिकली अल्टर्ड सेल आर रीप्लांटेड प्रोड्यूस एडीए जीन। अब ये कंटिन्यू क्या प्रोड्यूस करने लगा एडीए एंडोसाइटोमीनस, जो कि हेल्प करता है किसके लिए, दैट इज एसेंशियल फॉर द इम्यून सिस्टम फॉर द चाइल्ड आर एम्ब्रियो। This is all about gene therapy that is only used for the deletion of gene that is a hereditary disease.